फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बन रहा है, बेसिकली टाइटल इज़ विस्टर वीज़ा आफ्टर जुलाई 1, 2024। तो काफ़ी क्वेश्चनिंग हो रही थी कि ये जो नई रेगुलेशंस आई हैं जिस पे स्टडी वीज़ा उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आफ्टर जुलाई, कि अब विस्टर वीज़ा ईजी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, अब विस्टर वीज़ा लेने का कोई एडवांटेज रहेगा जो सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। वैसे तो एडवांटेज विस्टर वीज़ा मिलने के लिए होता है, तो इसके अलग यूजेस निकाले गए हैं पहले, तो उस कंसर्न में लोगों ने क्वेश्चनिंग करी है। तो उसके ऊपर ये सारी डिटेल आपको देने वाले हैं कि विस्टर वीज़ा का क्या स्टेटस रहेगा आफ्टर 10 जुलाई 2024। ये ईजी हो जाएगा, सेम रहेगा, वॉट विल बी द आउटकम, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और कोई भी आपका सवाल इससे रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को इस पर क्वेश्चंस हो रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने और ऑप्शंस का पीछे वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आप सबका आया। एंड येस, 408 इज़ द ऑप्शन विद यू, और उसमें कई लोगों ने पूछा है कि उस पर नो फर्दर स्टे आता है नहीं आता, तो वो मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। हमने पीछे 408 लेके लोगों को दिया है, कन्वर्जन करवाया है। ये जो कंडीशंस होती हैं ये हर एक वीज़े पे उन्होंने ऑप्शनल रखी होती हैं, ये मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं लगता। अभी विस्टर वीज़ा की एग्जांपल ले लीजिए। पहले जब ये जनवरी फरवरी में रेगुलेशन आया था कि नो फर्दर स्टे लगाया जाएगा, किसके लगा? 99% वीज़ाज जिनके आए हैं विदाउट दिस कंडीशन आए हैं। सो ये कंडीशन जो होती हैं, कंडीशन का मतलब होता है ऑप्शंस, तो उसका मतलब ये नहीं रहता है कि एक्चुअल में आप पे वो कंडीशन लगेगी, मतलब ये वो नहीं है कि लगनी है, राइट? तो एज ऑफ डाटा, हम डाटा पे बात करते हैं, जो हमारे पास डाटा है उसके बेसिस पे बता रहे हैं, 408 पे कंडीशन नहीं आती है। बट ये हम 100% नहीं कह रहे हैं, इसको लेके कई लोग पकड़ लेते हैं, आपने कहा था जी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द केसेस नहीं आती है, राइट? तो 408 का हमने पहले बताया था ऑप्शन है। अब इसमें हमने करना है विस्टर वीज़ा आफ्टर जुलाई 1, 2004, व्हाट विल हैपन, ईजी होगा, सेम रहेगा, तो वो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। नंबर वन, कोई चेंज नहीं होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए, विस्टर वीज़ा के ऊपर उन्होंने स्टडी वीज़ा को बंद किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई वीज़ा बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। ये अभी भी स्टिल ओपन की है, मतलब इट इज़ ओपन वीज़ा, यू कैन अप्लाई एनी अदर वीज़ा ऑन दिस, बिकॉज नो फर्दर स्टे नहीं आता है इस पर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो ऑप्शन खुलते हैं, प्रोटेक्शन वीज़ा तो हर एक पे रहता है, वो तो फैमिली स्पॉन्सर्ड पे भी आपको मिल, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब प्रोटेक्शन वीज़ा के लिए सब रेडी नहीं रहते, क्योंकि सब ने आना जाना इंडिया में प्रोटेक्शन वीज़ा का रहता है कि आपने कर दिया तो मिल गया, तो वापस नहीं आ पाओगे। तो उसके अलावा इसमें वर्क वीज़ा भी ओपन है, स्पाउस वीज़ा डाल सकते हैं आप, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि विस्टर वीज़ा इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, और ओवरऑल अगर आपको इनमें से कोई भी वीज़ा आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, तो आप विस्टर वीज़ा लेके आप हिस्ट्री बना सकते हो, दैट हिस्ट्री विल हेल्प यू टू गेट अदर वीज़ाज। अब कई और वीज़ाज भी आने वाले हैं, जैसे वो तो हमने दो पीछे बताए, वर्क एंड हॉलीडे एंड मेट्स वीज़ा। इसके अलावा स्किल इन डिमांड वीज़ा आएगा, जिसमें स्किल असेसमेंट करके आप वहाँ पर काम ढूंढ सकते हैं या ले सकते हैं या काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो देर आर मैनी ऑप्शंस कमिंग अप, तो आप अपना हौसला ना खोएं, ठीक है ना? तो पहला हमने आंसर इसमें क्लैरिटी दे दी कि ईजी होगा नहीं होगा, तो आंसर इज़ जैसा अब आ रहा है प्रोफाइल के ऊपर, वैसे ही इस रेगुलेशन के बाद आएगा, जुलाई के बाद भी इसमें कोई ईजीनेस नहीं दिखेगी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट वीज़ा, स्टिल ये एक ओपन है जिसके अंदर आप काफ़ी और ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो ये आप कतई भी मत अपने दिमाग में लाना कि ये जुलाई के रेगुलेशन के बाद मतलब समुंदर बह जाएगा विस्टर वीज़ा का फॉर ऑस्ट्रेलिया, नहीं बहेगा, वैसे ही चलेगा जैसे अब चल रहा है, ठीक है? पहला, नो चेंज विल बी देयर। सेकंड, इम्पॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले बता दी, अगर आपका विस्टर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का मिल जाता है तो इसकी इम्पॉर्टेंस वर्ल्ड ओवर है, आपको कई और कंट्रीज़ में आपको मिल सकता है। मोर ओवर, इनके जो अपने कुछ वीज़ाज नए आने वाले हैं, जो पिछले हैं, जैसे 408 है, तो ये चीज़ें उस पे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं, राइट? अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो तीसरा, रूल्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर भी सरकारें हैं। अभी अल्बनीज़ की गवर्नमेंट चल रही है, 25 में फिर से इलेक्शन होंगे, दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है, तो रूल्स चेंज होते रहते हैं, पार्टीज़ अपने हिसाब से
चेंज करती हैं, राइट। तो कई ये भी कह रहे थे ना, हमने तो वीज़ा लगवा लिया 3 साल का, हमने तो वीज़ा लगवा लिया 3 साल का, आप क्या करें। तो वो संभाल के रखिए, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन अगर होंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, हो सकता है चेंज हो जाए। तो बेसिकली ये सब जो क्राइटेरिया हो रहा है, हमने पहले भी बताया था क्यों हो रहा है, दे वॉन्ट परमानेंट रेजिडेंट्स, वो पॉजिटिव हैं, दे वॉन्ट टैलेंट, यंग टैलेंट इन देयर कंट्री। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी है ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि देखिए इकोनॉमी उनको चलानी है, इससे बहुत इनकम आती है, राइट। तो ये कैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है कि काफ़ी माइग्रेशन हो गई थी उसको रोकने के लिए, और इस वीज़ा का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो जब थोड़ा टाइम बीतेगा, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, तो दे विल ओपन, राइट। तो इसके ऊपर आप ये, दिस इज़ नॉट द एंड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, शुड वी गो फॉर दिस वीज़ा, विस्टा वीज़ा और नॉट? द आंसर इज़ येस, यू शुड अप्लाई, बिकॉज मैंने आपको बताया इसका आपको वीज़ा मिलना ऑस्ट्रेलिया का, आपके पास लीगल एंट्री हो जाती है, यू कैन डू गो देयर। और कहीं भी अगर आपका मन बनता है वहाँ पर सेटल डाउन होने का, देन प्रोटेक्शन वीज़ा इज़ द वन। प्रोटेक्शन वीज़ा पे बिजनेस ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाता है, रिजल्ट जब तक नहीं आता उसके ऊपर वर्क राइट्स भी मिल जाते हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। सो ऑप्शन आर मैनी, द थिंग इज़ यू नीड अ लीगल एंट्री। और लीगल एंट्री के लिए सबसे जो जल्दी तरीका है वो यही है अभी भी। नो डाउट स्टडी नहीं मिलेगा, बट वो परमानेंट नहीं है ना, कि हमेशा ही नहीं मिलेगा, आगे खुल सकता है, राइट। तो अगर आपका एक विजिटर यहाँ पे ग्रांट हो गया, हो सकता है 2-3 साल के बाद रूल चेंज होए तो आप दोबारा अप्लाई करो। मतलब कहने का मतलब है, वो जो एक पॉजिटिव चीज़ होगी ना वीज़ा को लेके, दैट विल हेल्प यू, वो आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आपको करना चाहिए। बाकी अगर आप प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, अगर आप प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तो यू मस्ट विजिट ऑन दिस, राइट। बाकी कैसे लेना है, इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो Zoom मीटिंग इज़ विद यू, आपका नंबर फ्लैश हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।